हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपिका। जेस फैमिली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज किस वीडियो में हम बनाएंगे बेसन की बर्फी, वो भी बिना किसी चाशनी के एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एकदम सॉफ्ट बर्फी बनकर के तैयार होगी। तो चलिए आज किस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए आज किस बेसन की बर्फी बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बेसन की बर्फी बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 कप बेसन। तो ये देख लीजिए, एकदम नॉर्मल बेसन मैंने ले लिया है। तो ये टोटल 1.5 कप बेसन है। आधा कप मैंने घी लिया है, जितना घी उतनी चीनी लेनी है। और 1/4 कप सूजी, कुछ मैंने बादाम ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, उनको बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। 5-6 इलायची, जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब हमें लेना है उस बर्तन को जिसमें हमें बर्फी को जमाना है। तो यहाँ पर मैंने केक टिन ले लिया है, बाकी आप जिसमें जमाना चाहते हैं उसमें जमाइए। तो हमें घी को अच्छे से लगा देना है बर्तन में। उसके बाद हमें ले लेना है मिक्सर जार। तो उसमें हमें चीनी को डाल करके पाउडर बना लेना है। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं तैयार। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है चूल्हे पर और हमें डाल देना है इसमें घी। अब हमें डालना है बेसन और गैस फ्लेम को हमें रखना है एकदम स्लो। अच्छे से मिक्स करना है घी और बेसन को। तो घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देख लीजिए, अच्छे से हमने मिक्स किया है। उसके बाद अब हमें डालना है यहाँ पर सूजी, जो हमने 1/4 कप सूजी ली हुई है उसे हमें डालना है। और सूजी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर सूजी मिक्स हो गई है और बेसन देखिए एकदम रूखा सा हो गया है। तो इसमें डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है, बेसन को हम अच्छे से भूनेंगे। जब बेसन अच्छे से भुनने लग जाएगा तो घी खुद ही रिलीज होने लग जाएगा बेसन से। तो हमें एकदम लो फ्लेम में इसे भूनना है। ये देखिए काफ़ी देर हो गई है इसे भूनते हुए और बेसन जो है घी भी रिलीज करने लग गया है। तो यहाँ पर जो भी खेल है ना, वो सारा खेल पेशेंस का है, आप लोगों को सब्र रखना है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो यहाँ पर होगा सब्र का फल मीठा और टेस्टी दोनों ही। तो हमें कटे हुए बादाम डालना है और अच्छे से भूनना है, तभी इसमें से और घी जो है रिलीज होगा। तो बेसन को हमें कंटिन्यू धीमी आँच में अच्छे से भून लेना है। तो ये देख लीजिए, बेसन जो है अच्छे से भुन गया है। देखिए पहले कैसा था बेसन और अब कैसा है, आप लोगों को फर्क समझ में आ रहा होगा। तो बेसन जो है अच्छे से भुन गया है। तो बस अब हमें करना है गैस फ्लेम को बंद और हमने चीनी का पाउडर जो लिया हुआ है हमें वो डालना है और हमें अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि बेसन का जो टेम्परेचर है वो भी हाई है, तो चीनी वैसे भी मेल्ट होगी, तो वो थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। इलायची का पाउडर भी हमें डाल देना है और अच्छे से हमें मिक्स करना है। और शक्कर का पाउडर हमने जो डाला हुआ है, तो उसे डालने के बाद बेसन एकदम रूखा सा हो जाएगा, पहले जैसा एकदम ड्राई हो जाएगा। तो जब हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ना, तो बेसन जो है थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि घी भी रिलीज हो चुका होगा। तो बस हमें बेसन को कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है, शक्कर और बेसन दोनों को। तो यहाँ पर मैंने क्लिप को कट नहीं किया है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर हाई स्पीड पे वीडियो डाल दिया है, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जब हम शक्कर को मिक्स करेंगे अच्छे से बेसन के साथ में, तो वो जो है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि शक्कर डालने के तुरंत बाद तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो एकदम
पाउडर फॉर्म में हो गया है, तो ये कैसे बर्फ़ी बनेगी इसकी, तो बस मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए इसे कट नहीं किया है। तो आप लोग देखिए, अच्छे से हमें इसे मिक्स करते रहना है। जब हम इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे ना, तो बेसन जो है थोड़ा सा घी छोड़ने लग जाएगा। और बेसन को भूनते समय ना, आप लोग एक बात का खास ध्यान रखिए कि जब हम बेसन को भून रहे होंगे ना, तो बेसन को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और एकदम लो फ्लेम में ही हमें उसे भूनना है। 1 मिनट के लिए भी हमें उसे नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू इसे चलाते ही रहना है, तभी बेसन अच्छे से भुनेगा। अगर बेसन कच्चा रह गया ना, तो वो फिर दांतों में चिपकेगा, इसलिए ऐसा मैं कह रही हूँ। और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब ये जो बैटर है वो रेडी है बर्फ़ी जमाने के लिए। तो हमने जिस भी बर्तन को ग्रीस करके रखा हुआ है, उसमें हमें डाल देना है बेसन को, और अच्छे से इसे फैला लेना है चारों तरफ, एक बराबर हमें कर लेना है। तो ये देख लीजिए, अच्छे से हमें बराबर कर लेना है। और अब आप लोग खुद ही देखिए कि ये काफ़ी ज़्यादा घी जो है ऊपर इसके नज़र आएगा। हमने तो अलग से घी नहीं डाला हुआ था, हमने बस भूनने के समय ही इसमें घी डाला हुआ था। तो आप लोग खुद ही देखिए कि ये ऊपर से काफ़ी घी घी इसमें दिख रहा है। तो अब हमें इसमें डाल देना है ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम को पतले पतले काट करके रखा हुआ है, उसी को हम डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिस्ता डालिए, या फिर आपको चांदी का वर्क लगाना है तो आप चांदी का वर्क लगाइए, लेकिन ठंडा होने के बाद। तो हम इसे रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए। और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा 3-4 घंटे के बाद, हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में, उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर सेट हो चुकी है बर्फ़ी, 4 से 5 घंटे हो गए हैं। तो अब बारी आती है इसके कट करने की। तो हमें ले लेना है चाकू और हमें इसे अपने पसंद के अनुसार शेप में इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में इसे कट कर रही हूँ। तो देखिए, बर्फ़ी को मैंने काट लिया है और कितने अच्छे से ये कटी हुई है, क्योंकि एकदम ये सॉफ्ट बनी है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी बढ़िया बेसन की बर्फ़ी हमने बना करके तैयार किया है, वो भी बिना चाशनी के और बिना किसी झंझट के। बस हमें थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, सब्र रखेंगे हम तभी बेसन की बर्फ़ी थोड़ा अच्छी बनेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, आप लोग इसे इस दिवाली में बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट करके दिखा भी दे रही हूँ कि जो हमने बेसन की बर्फ़ी बनाई है वो कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, मुँह में जाते ही एकदम घुल जाती है। तो ये देख लीजिए, आप लोग भी इसी तरीके से इसे बना सकते हैं, वो भी घर पर ही, बहुत ही आसान तरीके से।